आज एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, टेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 15। इसको देखना है कि 15 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 15 से डिवाइड होने के लिए क्या देखना पड़ता है हम लोग को, कि यह 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों से डिवाइड होने के लिए क्या है, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें 0 है, ये 0 है, ये 5 है, इसमें भी 5 है। तो हम लोगों को देखना है कि 0 और 5 तो ये सब में है, तो 5 से सब डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, 3 के लिए सारे डिजिट को हम लोग को प्लस करके देखना है और वह डिवाइड होगा कि नहीं, तब हम लोग को ये 15 से माना जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सब डिजिट को प्लस करना है। 9 3 12 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये डिविजिबल है। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर बी, 7 8 5 2 5, ये इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये 5 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर सी, 9 0 8 7 5 है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, ये डिविजिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर डी है 1 2 3 4 5 0, ये 5 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। हम लोग को इसको देखना है कि 2 से डिवाइड हो लेकिन 4 से नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या रूल है, हम लोग को देखना है कि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या है, 4 से नहीं होगा। इसके लिए क्या है कि हम लोग को 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ता है। तो 2 डिजिट हम लोग को देखना है जो मैंने डिवाइड हो। तो हम लोग को यह देखना है कि इसमें क्या है, 2 और 8 है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल तो है लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हम लोग को एक ही से डिवाइड होना चाहिए। अब हम लोग को इसको देखना है, हम लोग को ये देखना है कि ये बी नंबर को देखना है, तो बी नंबर भी 2 से तो हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। अब हम लोग को सी देखना है, ये भी 2 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब ये हम लोग को देखना है कि ये 2 से तो हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है, तो इसको इसलिए ये डिविजिबल माना जाएगा, ये सही है। मुझे आशा है कि मैं जो समझाया हूँ ये मेरा प्रयास आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।